हेलो दोस्तों, आपका जरूरी साइट में स्वागत है। इस बार हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप आपके लैपटॉप में हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं और इंटरनेट डेटा शेयर करते हैं, उसी तरह आप आपके लैपटॉप से भी हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और अपना इंटरनेट डेटा या फिर इमेजेस या फिर मूवीज़ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे सर्च कीजिए या फिर एंटर कीजिए www.jarurisite.wordpress.com। यहाँ पे जरूरी साइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। आप उसे स्क्रॉल डाउन यानी नीचे ले आइए तो आपको यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, जहाँ पे आपको टाइप करना है OSTOTO, एंटर की। तो आप उसमें देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट का एक सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि टर्न्स योर लैपटॉप और कंप्यूटर इनटू वायरलेस रूटर या फिर राउटर। तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने आ गया है डाउनलोड का ऑप्शन और आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे। आप देख सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है हॉटस्पॉट का वो डाउनलोड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर था हॉटस्पॉट का वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में। और फाइनली आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो हॉटस्पॉट है लैपटॉप पे शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप SSID मतलब जो आपका ID है, यूज़र नेम है, वो आप यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये रहा पासवर्ड, पासवर्ड अगर आप चाहते हैं तो पासवर्ड डाल भी सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो ओपन वाईफाई आप ओपन हॉटस्पॉट या फिर ओपन वाईफाई रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़रूरी साइट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोज़ ला सकूँ। और एडवांस में सभी को हैप्पी होली।